सीएसबी बैंक सोलन द्वारा 100वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर बैंक में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सेंट ल्यूकस स्कूल के फादर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये जानकारी बैंक के मैनेजर केपी सिंह ने मीडिया को दी। कार्यक्रम के दौरान बैंक के कर्मचारियों को केपी सिंह ने बैंक में आने वाले ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने की प्रतिज्ञा दिलाई और पहले की तरह अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक द्वारा केक काटा गया और बैंक के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शाखा प्रबंधक केपी सिंह ने बताया कि सोलन में सीएसबी बैंक की ये पहली शाखा है। सोलन की शाखा को 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जल्द और शाखाएं उनके बैंक द्वारा हिमाचल में खोली जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सीएसबी बैंक की स्थापना 100 वर्ष पूर्व 1920 में हुई थी। 100 वर्ष पूरा करने पर बैंक में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि उनका बैंक बेहतर सुविधाओं के नाम से जाना जाता है, इसलिए ग्राहकों का विश्वास जीतने में बैंक लगातार कामयाब होता जा रहा है। मेरा नाम केपी सिंह है। मैं सीएसबी बैंक लिमिटेड सोलन का ब्रांच मैनेजर हूँ। आज हमारे बैंक ने 100 साल कंप्लीट किए हैं। हमारा बैंक 1920 से स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर 1920। आज पूरे 100 साल कंप्लीट कर रहे हैं हम। उसी की खुशी में हम एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हमने, जिसमें चीफ गेस्ट फादर सेंट ल्यूक से आए हैं और इसी की सेलिब्रेशन हम आज के डेट में कर रहे हैं। हिमाचल में ये हमारी पहली ब्रांच है जिसको 8 साल कंप्लीट हो गए हैं और जल्द ही हम और ब्रांचेस खोलने वाले हैं। सोलन में हमारे पास मोर देन 1000 कस्टमर्स हैं। एक हमारे पास स्कूल अकाउंट्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स भी जुड़े हैं हमारे साथ।